इधर रोहतक के अपना घर यौन शोषण मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले में 27 अप्रैल को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने इस मामले में अपना घर की मुख्य संचालिका जसवंती देवी सहित 9 लोगों को दोषी ठहराया है। सीबीआई की पंचकुला कोर्ट ने रोहतक के बहुचर्चित अपना घर मामले में सजा पर फैसला 27 अप्रैल तक टाल दिया है। विशेष सीबीआई कोर्ट के जज जगदीप सिंह ने पिछले बुधवार को अपना घर की संचालिका और मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। रोहतक के अपना घर में दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, अनैतिक तस्करी, छेड़छाड़ और क्रूरता की हदें पार होने का खुलासा यहां रहने वाली बच्चियों और युवतियों ने किया था। इसके बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी NCPCR की एक टीम ने 9 मई 2012 को रोहतक के अपना घर में दबिश दी थी, जहां से लगभग 103 बच्चियों और युवतियों को मुक्त करवाकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। पूछताछ में बच्चियों और युवती ने बताया था कि उनके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण के अलावा कथित रूप से यौन शोषण, बंधुआ मजदूरी भी कराई जाती थी। जून 2012 को ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और अगस्त 2012 को चालान में सीबीआई ने जसवंती देवी को मामले का मुख्य आरोपी बनाया। ट्रायल के दौरान आरोपियों पर दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, अनैतिक तस्करी, चोट, गंभीर चोट, छेड़छाड़, महिला की सहमति के बिना गर्भपात, अवैध अनिवार्य श्रम और बच्चों के साथ क्रूरता पर दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी थी। इस मामले में अंतिम बहस 14 फरवरी से शुरू हुई थी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष के 122 गवाहों की गवाही करवाई गई। इस मामले में 10 से 12 बच्चियों और युवतियों की गवाही अहम थी, क्योंकि उनमें से कुछ ने मुख्य आरोपी की पहचान की थी और अपना घर में अपने प्रवास के दौरान के अनुभवों को बताया था। इस केस के बाद जसवंती के दामाद जय भगवान और ड्राइवर सतीश पर सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी गई थीं। इस मामले में जिन लोगों को दोषी करार दिया गया उनमें जसवंती देवी के अलावा उसका भाई जसवंत, बेटी सुषमा उर्फ सिमी, दामाद जय भगवान, चचेरी बहन शीला, सहेली रोशनी, ड्राइवर सतीश, कर्मचारी रामप्रकाश सैनी और काउंसलर वीना शामिल हैं। कोर्ट के इस मामले में एक आरोपी अंग्रेज कौर हुड्डा को पहले ही बरी कर चुकी है। अपना घर के हर रोज कोई न कोई नए खुलासे सामने आ रहे थे, जबकि हरियाणा पुलिस और तत्कालीन सरकार इसको दबाने की कोशिश में लगी थी, क्योंकि आरोपी जसवंती नरवाल की सरकार और जिला प्रशासन से गहरे ताल्लुकात थे। सरकार जसवंती नरवाल को स्टेट अवार्ड भी दे चुकी थी। बाद में मीडिया में मामला उठने के बाद सरकार ने सभी अवार्ड्स वापस लिए थे। टोटल न्यूज के लिए रोहतक से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।